गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अभिषेक नाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एमएलटी कॉलेज सहरसा. लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक ओपिनियन एंड रिप्रेजेंटेशन. दिस इज अ टॉपिक ऑफ पी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थियरी, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एम ए स्टूडेंट्स, सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट्स. एंड एक्चुअली आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर टॉपिक और एनालाइज दिस टॉपिक with some recent inputs from Indian politics also, so that it will be helpful for not only to be a political theory students, but also it will be important for Indian politics student also. So it's important for BA political science and M political science also. What is public opinion? Public opinion ko hum log Hindi mein kehte hain janmat, right? Janmat. Aur representation ka matlab ho gaya pratinidhit. जनमत और प्रतिनिधित्व की बात हम कहाँ कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोकतंत्र में ही कर सकते हैं. जनमत को प्राप्त करने के अलग तरीके हैं. डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में शायद जनमत को प्राप्त करने का एक कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, जहाँ पे सभी लोग एक जगह असेंबल होते हैं और अपने लिए निर्णय लेते हैं कि कौन से कानून बनाए जाने चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में शायद इसकी समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी के एक पर्टिकुलर ब्रांड में निवास करते हैं, ब्रांड को फॉलो करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट? लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसीलिए हम जनमत और प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, राइट? देखिए, जनमत डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इसकी कोई समस्या नहीं है, राइट? और वर्तमान समय में हम जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबिलिटी नहीं है, और पॉसिबिलिटी क्या है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट? यानी आप हम जनमत को रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू शासन सत्ता में पहुंचाया जाता है, निर्णय लेने के लिए वहां तक पहुंचाया जाता है, राइट? तो इसलिए जनमत की बात हो रही है कि इस जनमत को अच्छे से कैसे रिफ्लेक्ट कराया जाए, सबसे बेहतर तरीके से जनमत कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है, राइट? देखिए, लोकतंत्र में हम क्या होता है, हम लोगों को चुन लेते हैं, 5 साल 7 साल के लोगों को चुन लेते हैं, अपने नेताओं को, और फिर हमारे पास ये शक्ति, अगर कुछ नेता कुछ गलत भी कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, हम उन्हें वापस नहीं बुला सकते, हम उनके निर्णय को बदल नहीं सकते. इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में क्या होता है, व्यक्ति 5 साल में एक बार स्वतंत्र होता है, राइट, वोट देने के लिए. खैर, कुछ देशों ने इसके लिए कुछ पहल की है, जैसे रिकॉलिंग दी रिप्रेजेंटेटिव और टेकिंग कंसेंट ऑफ पीपल ऑन पॉलिसी मैटर्स, जिसके लिए अलग तरीके हो सकते हैं. आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिसके द्वारा हम इसे पूरा भी कर सकते हैं. इसमें एक अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही पिछले, अब ये शायद दूसरा तीसरा टर्म है उनका, दूसरा टर्म है, फुल फ्लेश टर्म दूसरा है उनका. आप ध्यान दिया होगा, पहले टर्म में ज़्यादातर वो कई बार जब कुछ निर्णय लेना होता था तो लोगों से कहते थे आप मोबाइल में SMS के द्वारा यस या नो टाइप करके आप इस मुद्दे का समर्थन करें, हमें लोकपाल का कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, हमें इस निर्णय को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और वो लोग ये बताते थे कि इतने प्रतिशत लोगों ने हमें समर्थन दिया है इस काम को बनाने के लिए, इसलिए हम बनाना चाह रहे हैं. मुद्दा ये नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि वो एक तरीका जरूर दिखा रहे हैं, राइट, कि डेमोक्रेसी में भी, मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी, बिग डेमोक्रेसीज में भी हम कुछ तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि उन्होंने इस व्यवस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, राइट? इसके अलावा अगर आप अपने प्रत्याशी से खुश नहीं हैं तो आप उनके खिलाफ नोटिस देने या उन्हें बुलाने के उन्हें रिकॉल कर लें, इन सब की बात की जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज यानी संस्था के रूप में, कानून के रूप में उसको स्थापित नहीं किया गया है, राइट? लेकिन ये जनमत को अव्यक्त करने का एक अलग अलग एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी, जो कि अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, में भी एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है. ये एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है जो कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ गुणों को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लागू कर पाए, राइट? ओके, सो जनमत को रिफ्लेक्ट होने के लिए डेमोक्रेसी में क्या है, रिप्रेजेंटेशन. तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम रिप्रेजेंटेशन पे चर्चा करें, राइट? तो रिप्रेजेंटेशन, अगर हम थियोरेटिकली बात करें रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन के मुख्य रूप से चार मॉडल रहे हैं. एक सबसे पहला जिसे हम कहते हैं ट्रस्टीशिप मॉडल, न्यास सिद्धांत आप कह सकते हैं, न्यास है, ट्रस्टीशिप मॉडल है. ये सबसे पहले उत्पन्न हुआ. ये ट्रस्टीशिप मॉडल का में मतलब का अर्थ क्या है, आप जैसे आप एक बार अपना नेता चुन देते हैं तो
आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या आप क्या सोचते हैं? जब प्रतिनिधित्व की प्रणाली उदय हुई तो ये माना गया कि समाज में कुछ लोग जो हैं सो बाकी समाज के सभी लोगों के प्रति कॉमन हित के बारे में सोच सकते हैं, उनके भले बुरे के बारे में सोच सकते हैं, अतः ऐसे लोगों को चुन करके शासन सत्ता में भेजा जाना चाहिए, राइट? यानी पीपल रिपोज अ ट्रस्ट ओवर दैट पर्सन, ओवर हिज रिप्रेजेंट ओवर देयर रिप्रेजेंटेटिव, राइट? तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के प्रति आप ट्रस्ट आप स्थापित करते हैं, राइट? आप एक बार जब चुन देते हैं तो फिर आप ये मानते हैं कि वो जो भी निर्णय आपके लिए लेगा वो आपके लिए बेहतर होगा, आप उसे मानेंगे। सो इट्स अ ट्रस्टेशिप मॉडल। यहाँ पे क्या है, इस मॉडल में दिक्कत यह है कि ऐसा हो सकता है कि नेता वहाँ पहुँच कर कॉमन गुड के बजाय इंडिविजुअल गुड की बात करने लगे, बहुत स्वाभाविक सी बात है, या किसी पार्टिकुलर गुड की बात करने लगे, पार्टिकुलर हित की बात करने लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ट्रस्टीशिप मॉडल में ये संभावनाएँ रही हैं, और जैसे जैसे प्रतिनिधित्व व्यवस्था आगे बढ़ी उसके बाद से कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप मॉडल थोड़ा बैकफुट पे चला गया और लोग ये मानने लगे कि रिप्रेजेंटेटिव को सारे ही शक्तियाँ नहीं प्रदान की गई हैं, राइट? इससे उभर कर ये सामने आया उन्हें कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, वो उन्हें अपने इलेक्टोरेट हैं उनके विचारों को ही अभिव्यक्त करना है, राइट? इसके आधार पर एक दूसरा मॉडल उत्पन्न हुआ जिसे हम कहते हैं डेलीगेटेड मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट? डेलीगेटेड मॉडल यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने पावर को थोड़ा डेलीगेट कर दे रहे हैं, राइट? अपने निर्णय लेने के पावर को केवल आपने डेलीगेट किया है, लेकिन निर्णय क्या लेना है इसको डेलीगेट नहीं किया है। आप ये बता रहे हैं, आप ये समझा रहे हैं, आप उन मुद्दों को दिखा रहे हैं कि इन मुद्दों पे आपके निर्णय लिया जाना चाहिए, राइट? यानी कहीं ना कहीं आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को पूरा अधिकार नहीं दिया है, जिस तरह से आप ट्रस्टशिप मॉडल में दे देते हैं, राइट? आप उसके डोर को अपने हाथों में रखते हैं, खींच के रखते हैं, और जितनी बातों को आप डेलीगेट करते हैं उन्हीं मुद्दों पर वो क्या करेगा, डिबेट करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूँ क्लास में, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपका जो सीआर होता है, आप देखेंगे आप उसे उतनी शक्ति देते हैं जैसे कि क्लास में सर ने क्या नोट्स दिए, कौन सा मटेरियल जेरोक्स कराना है, या कौन से टॉपिक पर चर्चा होगी, टीचर आएंगे नहीं आएंगे, ये सब सारी व्यवस्थाएं। आप ये निर्णय नहीं देते कि वो आपके बदले किसी दिन सर के साथ मिल करके क्लास खुद से शेड्यूल रीशेड्यूल करा दे, ये सब नहीं देते। आप कहते हैं पहले इसके लिए पहले आप हमसे अगर बात करें और हम जो कहें आप वहीं करें, राइट? यानी आप उसे पूरा अधिकार नहीं, आप उसे पूरा ट्रस्ट नहीं करते, राइट? डेलीगेट करते हैं कुछ पावर को अपने। तो आपका सीआर जो कहीं ना कहीं एक डेलीगेटिव रिप्रेजेंटेटिव है, राइट? ओके, एक थर्ड मॉडल है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, सॉरी, जिसे हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। देखिए फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, यानी इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं समाज में, बहुत सारे अलग अलग कार्यों को करने वाले लोग हैं और कार्यों के आधार पर अलग लोग बटे हुए हैं। तो लोगों का ये मानना है कि सिद्धांतकारों का ये मानना है कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स का, वकील हैं, टीचर्स हैं, इनके अपने अपने हित हैं, इंटरेस्ट है, समाज में अलग अलग इंटरेस्ट हैं और उन इंटरेस्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें इस व्यवस्था के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक ये बहुत वाइड नहीं हो सकती, और दूसरा क्या है कि इसमें फैक्शनलिज्म बढ़ने की बहुत संभावना है, लोगों के बीच खींचतान और समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव होने की समस्या है। हालांकि गिल्ड सोशलिस्ट जो थे वो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन को महत्व देते थे, लेकिन इसको उतना ज़्यादा महत्व प्राप्त किसी भी डेमोक्रेसी में आज उतना महत्व तो नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, आप देखेंगे दबाव समूह के रूप में आप बहुत सारे ग्रुप जरूर हैं, चाहे डॉक्टर्स का समूह हो, अधिकारियों का समूह है, वकीलों का समूह है, और इस आधार पर वो एक दबाव समूह के रूप में जरूर काम करते हैं, अपनी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक समय में जो लोकतंत्र को संभव बनाया है वो राजनीतिक दलों के उदय के बाद से देखा गया है, और इस आधार पर एक चौथा मॉडल उभर कर आया है जिसे हम कहते हैं मैंडेट मॉडल। मैंडेट क्या है? मैंडेट का मतलब है कि राजनीतिक दल जो है सो अपने आपने ध्यान दिया होगा राजनीतिक दल कैसे चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल आपके सामने एक क्या रखते हैं, मैनिफेस्टो रखते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो आपके सामने रखते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब है चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें बताते हैं कि अगर हम जीत कर आए तो आपको लैपटॉप देंगे, आपको कार देंगे, आपको कार तो नहीं देगा कोई, साइकिल दे सकता है, आपके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएँ करेगा, और आप देख कंपेयर करते हैं अलग अलग दलों के चुनावी घोषणा पत्र को। हालांकि हम ये करते नहीं हैं, हमें पता है, लेकिन हमें करना चाहिए। हम शायद किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र को नहीं देखते और इस आधार पर हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाते, हम उनके अलग अलग वादों पे ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा काम क्या है, वो एक्चुअली वो मैंडेट सिस्टम क्या है कि इलेक्टोरेट के पास जो अलग अलग चुनावी मैनिफेस्टोज हैं, पार्टीज़ के मैनिफेस्टो हैं, आप देखें उसे, उसे पढ़खें और आप उस आधार पर अपनी उस पार्टी को वोट दें, राइट? सो मैंडेट वो अपने यानी राजनीतिक दल क्या है, वो आप ट्रस्ट रिपोज नहीं कर रहे हैं,
आप उनको पावर डेलीगेट भी नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप एक मैंडेट दे रहे हैं 5 साल तक इन मुद्दों के आधार पे शासन करने का, डेट इज़ कॉल्ड मैंडेट मॉडल। और ये आज क्या है, सबसे इसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाया है, और इस आधार पर ज़्यादातर लगभग सभी देशों में आज इसी मॉडल के आधार पर शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, राइट। तो ये थियोरेटिकली 4 मॉडल हैं, तो मैंडेट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, तो रिप्रेजेंटेशन, अब ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन के का थियोरेटिकल आस्पेक्ट, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, प्रैक्टिकली इसे रिप्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल बनाया जाए, राइट। इसके लिए हम लोग, एक तो जनरली क्या होता है, एक किसी पूरे देश को, एक जो एरिया है उसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है चुनाव के लिए। जैसे हो सकता है कि कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है तो शायद 10 लाख पे एक व्यक्ति चुना जाए या 2 व्यक्ति चुना जाए, तो यानी एक देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, राइट। और इसके बाद आधार पे, इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुना जाना है या कई सारे व्यक्ति चुने जाने, इस आधार पर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के मॉडल रहे हैं, राइट। तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, इस आधार पर कई बार जो सिस्टम है, जिसे हम उसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कई बार जो सबसे आगे वहीं जीते ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको 50% से ज़्यादा वोट पाने की जरूरत नहीं होती। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक व्यक्ति चुना जाता है और उसमें कई सारी पार्टियां होती हैं, और वहां से हो सकता है कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट लाए उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। जरूरी नहीं कि 50% से ज़्यादा लाए, अगर मान लीजिए 5 पार्टियाँ हैं और जो सबसे ज़्यादा पार्टी वोट लाने वाली है वो 22% की है, बाकी 19, 18, 17, 16 मिलके जो 100 हो जाना चाहिए, तो 22% लाइए और सबसे ज़्यादा उसने लाया है तो उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात मात्र 22% लोगों को रिप्रेजेंट करके वो आपका प्रतिनिधि बन जाता है। तो यहीं इसकी कमी भी है कि कम से कम 50% लोग भी उसे अपना प्रतिनिधि नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि आपका बन जा रहा है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आज क्या है, सबसे प्रचलित व्यवस्था है, आसानी से और बहुत ही सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट की जा रही है, राइट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो माइनॉरिटीज़ हैं, अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट। माइनॉरिटी कभी भी इससे व्यवस्था से चिन्हकर नहीं आ सकते, इसलिए एक दूसरी व्यवस्था की बात किया जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले अब अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही कई सारे मेंबर चुने जाने हैं तो इसके लिए कई बार लिस्ट सिस्टम होता है, एक जिसमें चुनावी दल क्या करते हैं, एक मेंबर्स की लिस्ट दे देते हैं और व्यक्ति उस लिस्ट को वोट देते हैं। कई जगहों पे ऐसी व्यवस्था है कि आप लिस्ट में लोगों का नाम बदल भी सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी मैच्योर डेमोक्रेसी है, कितना मैच्योर प्रिंटिव डेमोक्रेसी, उस आधार पर लोगों की मैच्योरिटी का लेवल, शिक्षा का लेवल क्या है, उस आधार पर ऐसे प्रयोग किए जाते रहे हैं। तो कुछ जगहों पर लिस्ट सिस्टम है जो पूरे लिस्ट को वोट करते हैं जैसे, और कुछ जगहों पर उस लिस्ट में आप फेरबदल भी कर सकते हैं, जनता कर सकती है, तो ये लिस्ट सिस्टम है। और इसके अलावा आप एकल हस्तांतरण लिए मत प्रणाली भी एक यूज की जाती है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कितने लोग चुने जाने हैं, जो भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, सिंगल, अगर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करके आप सिंगल या मल्टीपल व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। तो एक दूसरी व्यवस्था इसे हम कहते हैं, लेकिन इसमें कमी क्या है कि इसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और खासकर माइनॉरिटी से चुनकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही जो मेजोरिटी होगी वो उनको आउट नंबर कर देगी, आउट नंबर कर मतलब कि उन्हें उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होगी, तो उनका उनकी व्यक्ति चुनाव में जीत कर नहीं आ पाएंगे, राइट। इस व्यवस्था को ओवरकम करने के लिए कई जगहों पर क्या किया गया, सीटों को रिजर्व कर दिया गया। जैसे भारत में भी आप देखेंगे कि एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें आरक्षित हैं, एससी जस्टिस के लिए सीटें आरक्षित हैं राजनीतिक रूप से, तो इसके इस व्यवस्था को ओवरकम करने का प्रयास किया जाता है, राइट। अब अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि समाज में जो समुदाय हैं उनके अनुपात के रूप में व्यक्तियों को चुनकर लाया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, अपने समाज में जो व्यक्ति हैं उनके अनुपात व्यक्तियों को खड़ा करती हैं और उस आधार पर व्यक्ति वोट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, इसमें समाज के सभी हितों का, सामाजिक सभी सामाजिक ग्रुपों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। लेकिन फिर भी दोबारा ही बात है, ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी से ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि इससे हो सकता है कि बहुत सारे एक किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिले, क्योंकि अलग 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 जो समुदाय हैं उनके अलग लोग चुनकर आएंगे, और हो सकता है एक ही पार्टी के सभी लोग नहीं हों, ऐसा भी हो सकता है। तो जो ज़्यादातर जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया है, जर्मनी है, फ्रांस में भी है, राइट। लेकिन
भारत जैसे देशों में से अपनाना शायद संभव नहीं है, या हमने प्रयास भी नहीं किया, ऐसा हम कह सकते हैं। ट्राई कर सकते थे कि छोटे से लेवल पे इसको ओवरकम करने के लिए जनरली क्या किया जाता है कि वही सीटें कुछ आरक्षित आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं जनसंख्या के आधार पर, लेकिन भारत में भी धार्मिक आधार पर ऐसा काम कम्युनिटी के लिए आरक्षण सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। हाँ, हमने जाति के आधार पर जरूर किया है, जो ओबीसी एससी ओबीसी के लिए नहीं, एससी एसटीज़ के लिए है, जो कि समाज में काफ़ी लंबे समय से एक पिछड़ा वर्ग रहा है। राइट अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर या सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा पॉपुलर रहा है प्रोपोर्शनल प्रिंटेशन के बजाय। इसके पीछे कारण ये है कि ऐसी व्यवस्थाएं ज़्यादा अस्थायी सरकारों को देती हैं, पार्टीज़ को बहुमत प्राप्त हो जाता है और वो एक अस्थायी सरकारें दे पाती हैं। और ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो तृतीय विश्व के देश हैं, इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता की बड़ी समस्या रही है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या करता है, वो राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, लेकिन प्रोपोर्शनल प्रिंटेशन जो होता है वो राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। तो अगर वो मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के बीच इतनी समझ नहीं है, राजनीतिक नेताओं के बीच इतना सहयोग नहीं है, तो शायद ऐसे राज्यों में, ऐसे देशों में ऐसी व्यवस्थाएँ क्या है, हमेशा ही उठापटक से में राज्यों में उठापटक होती रहेगी। सरकारें आएंगी जाएंगी जाएंगी आएंगी और कोई स्थायित्व नहीं रहेगा, नीतियों में कोई स्थायित्व नहीं रहेगा, और सरकारें के और ऐसे राज्य क्या है शायद गृहयुद्ध तक में जा सकते हैं। इसलिए ऐसा देखा गया है कि कुछ मैच्योर डेमोक्रेसीज जो हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पर प्रोपोर्शनल प्रिंटेशन को अपनाया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में अभी तक इसे किसी भी देश ने अपनाने का प्रयास नहीं किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता की, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा है। इसके बारे में आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं और डिटेल्स में इसके जैसे लिस्ट सिस्टम के क्या क्या तरीके हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये आप उसमें देख सकते हैं। मैंने इसके जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उस पर बात की है, समझाने का कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा चर्चा की है आपसे। देखिए भारत में जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे यहाँ, तो ऑब्वियसली क्या है कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधित्व का मामला है वो काफ़ी बहुत हेल्दी नहीं है। राइट, योगेंद्र यादव का प्रोफेसर योगेंद्र यादव हैं जिन्होंने एक आर्टिकल लिखी है, आर्टिकल उनकी पब्लिश हुई थी, इसमें उन्होंने डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है, डीपनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की है। हमारे यहाँ क्या रिप्रेजेंटेशन, उनका कहना है, आर्गूमेंट यह है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन तो फैला है, यानी इसका विस्तार तो हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ डीपेन नहीं हुआ है। राइट, ठीक है, डिपेंड नहीं हुआ। इसका कहने का तात्पर्य, जिनके कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं हैं या कोटा सिस्टम हमने बनाया है, उसके द्वारा डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन जो है सो बड़े पैमाने पे केवल जो जहाँ पहले केवल अपर कास्ट के लोग चुनकर आते थे या बड़े केवल शिक्षित लोग चुनकर आते थे, उसमें ये प्रसार हुआ है और गाँव से लोग चुनकर आ रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी चुनकर आ रहे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आ रहे हैं, उच्च जातियों के अलावा मध्य और निम्न जातियों से भी लोग चुनकर आते हैं, यानी ये प्रसार हुआ है रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन डीपेन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी आप देखें इसमें भी अलग अलग ग्रुपों में भी जो इलिट क्लास है वो उभर कर आया है और वहीं क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन पे कैप्चर कर लेता है ज़्यादातर। आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो कि जिनको मैं कहता हूँ दे आर फैमिली इंटरप्राइज। राइट, चाहे वो हमारे यहाँ बिहार में आरजेडी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ये सारे क्या है, कुछ लोग जो एक दो लोग हैं व्यक्ति परिवार के लोग हैं उस पार्टी को चलाते हैं और पार्टी के अन्य नेताओं को उभरने नहीं देते। आरजेडी जनता दल से लालू यादव और उनके परिवार के ज़्यादा कैप्चर होने के कारण उसमें से कई नेता बगावत किए, जिसमें नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों ने अलग अपनी पार्टियां बनाई। तो आप ये देख सकते हैं हर राज्य में, ऐसा कुछ नहीं कि बिहार की ही बात है, मैंने बिहार से एग्जाम्पल दिया चूँकि जिसे हम देख रहे हैं समझ रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं वाइड स्प्रेड तो हुआ है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो डीपनिंग नहीं हुआ है इसका। राइट, इसी तरह आप देखें हमारे यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेशन तीन लेयर पे है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, प्लस पंचायत लेवल पे भी है, बड़े पैमाने पंचायत में लोग चुनकर भी आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच एक तारतम्यता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कई बार आप देखेंगे एक सिमेट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंस सिमेट्री नहीं है, तो ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ आपने एक टर्म सुना होगा डीलिमिटेशन, हर 10 साल के बाद चुनाव से पहले चुनाव आयोग क्या डीलिमिटेशन का काम करता है। डीलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीडिफाइन करना, कितने पॉपुलेशन के लोग हैं, कितने लोग चुने जाएंगे। अब आप देखें हमारे यहाँ एक लॉजिक है 10 लाख पे एक व्यक्ति, लेकिन आप देखेंगे भारत में क्या है कि कहीं तो कम जनसंख्या पे ही चुने जा रहे हैं, कहीं बहुत बड़ी जनसंख्या पर डिपेंड कर रहे हैं। इसमें क्या है, एनोमली है। जैसे आप
दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने, 40-45 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, और कहीं पे क्या है केवल 1 लाख या 2 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने नागरिकों का ख्याल, रिप्रेजेंटेटिव अपनी नागरिकों की बातों कैसे पहुँचा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ है इसमें ये फ्लॉडनेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप भी देखिए, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है संसद में या किसी भी राज्य विधानसभा में, कभी 10% से ज़्यादा नहीं रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन के एक थिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन की चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्या है, थिन है, राइट। वो ब्रॉड तो हुआ है लेकिन थिन है, वो डीपन नहीं हुआ है। तो आशा करता हूँ इस तरह से आप न केवल रिप्रेजेंटेशन के एक सैद्धांतिक पहलू को भी बल्कि इसे एग्जाम्पल के रूप में भी भारत को आप समझने में सफल हुए होंगे। तो ये हमारी पूरी चर्चा थी पब्लिक ओपिनियन और रिप्रेजेंटेशन पे। थैंक यू सो मच।